जिनमें स्कूल नौणी ने अपना 27वां वार्षिक समारोह का आयोजन किया। समारोह की अध्यक्षता खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने की। इस मौके पर विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं स्कूल की प्रधानाचार्य ने कार्यक्रम के दौरान स्कूल की उपलब्धियों की रिपोर्ट मुख्य अतिथि के समक्ष पढ़ी। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि ने शिक्षा और खेल क्षेत्र में अव्वल रहे विद्यार्थियों को पारितोषिक देकर सम्मानित किया और अन्य विद्यार्थियों को उनकी तरह बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए भी प्रेरित किया। खादी ग्राम बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया ने बताया कि चिन्मय स्कूल में पुरानी शिक्षा पद्धति के आधार पर नवीन तकनीक के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिसकी वजह विद्यार्थी अपनी पारंपरिक परंपराओं के साथ जुड़कर अपना सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस स्कूल के विद्यार्थियों ने न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेलों में भी स्कूल का नाम रोशन किया है। उन्होंने बताया कि जिस स्कूल में विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा पद्धति का आधार मानकर मानव मूल्यों की जानकारी भी शिक्षा के साथ साथ दी जा रही है, जो एक सराहनीय कदम है। सोलन की बेटी शीतल गुप्ता ने साबित कर दिया कि बेटियों को अगर परिवार का साथ मिले तो वे कड़ी मेहनत से वे हर लक्ष्य को पा सकती हैं, जो वे ठान लेती हैं। शीतल गुप्ता ने भी जो चाहा वह करके दिखा दिया और आज वे जज बन चुकी हैं, जिसकी वजह से आज उनका परिवार बेहद खुश है। शीतल के पिता देवेंद्र गुप्ता सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और गायत्री परिवार की सक्रिय सदस्य हैं। उनकी माता शिवानी गुप्ता गृहिणी हैं। शीतल गुप्ता ने प्लस टू की शिक्षा सेंट ल्यूकस स्कूल सोलन से की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शीतल गुप्ता ने प्लस टू तक पहले नॉन मेडिकल की शिक्षा ग्रहण की। शीतल गुप्ता ने प्लस टू में ही अपना लक्ष्य तय कर लिया था कि उन्होंने जज ही बनना है, जिसके लिए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से नॉन मेडिकल छोड़कर BLLV की शिक्षा ग्रहण की। 2015 में शीतल ने LLV की डिग्री ली और लक्ष्य पाने के लिए दिन रात मेहनत की। 3 वर्षों तक उन्होंने कई परीक्षाएं भी दी, लेकिन उनमें ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। माता पिता ने बेटी का हौसला टूटने नहीं दिया और हमेशा शीतल को लक्ष्य से बटने भी नहीं दिया। यही वजह रही कि 4वें वर्ष में शीतल ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल में जज की प्राथमिक परीक्षा पास कर ली, लेकिन शीतल हिमाचल में ही अपनी सेवाएं देना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने हिमाचल में ही मुख्य परीक्षा देने का मन बनाया और अपने लक्ष्य को हासिल भी किया। शीतल गुप्ता के पिता देवेंद्र गुप्ता ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि वे आज बेहद खुश हैं कि उनकी बेटी ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। उन्होंने बताया कि हिमाचल में 10 में से 9 पदों पर बेटियों ने ही बाजी मारी है, जिससे ये साबित होता है कि बेटियों को अगर मौका दिया जाए तो वे प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का कोई मौका नहीं चूकती। उन्होंने युवाओं को सीख देते हुए कहा कि आपका जो भी लक्ष्य है उसे तभी हासिल किया जा सकता है अगर आप अपने लक्ष्य को बिना हताश हुए पाने का प्रयास करते रहें। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी पिछले 4 वर्षों से जज बनने के लिए प्रयास कर रही थी, लेकिन वह कभी हताश नहीं हुई और यही वजह है कि आज सफलता उसकी मुट्ठी में है। सोलन शहर की दुखती रग सोलन नगर निगम है, जिसके लिए शहरवासी पिछले काफी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, जिस पर भाजपा के स्थानीय नेताओं और मंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री ने भी चुनावों के दौरान शहर को नगर निगम बनाने का वायदा किया था, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी ये वायदा पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि सोलन में नगर परिषद चुनाव अगले वर्ष आने वाले हैं, जिसके लिए अब कांग्रेस ने आज से ही तैयारियां आरंभ कर दी है। सोलन के विधायक धनीराम चौंडिल ने प्रेस वार्ता के दौरान ये मुद्दा उठाया है कि सोलन से प्रदेश की सरकार भेदभाव कर रही है, जो कि सरासर गलत है। लेकिन ऐसा रवैया कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। सोलन के विधायक धनीराम चौंडिल ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि सोलन शहर के 7 प्रदेश सरकार भेदभाव पूर्ण रवैया अपना रही है। इसके लिए वे ऐसा शहर जो नगर निगम की सभी
औपचारिकताएं पूरा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सोलन को नगर निगम बनाने के लिए कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई जा रही है। यही वजह है कि सोलन के लोग हताश और हैरान हैं। उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि प्रदेश सरकार इस मामले को लेकर किसी भी तरह का कोई पक्षपात ना करे और सोलन को सीकर नगर निगम बनाने के लिए कवायद करे। उन्होंने कहा कि वह नगर निगम का मुद्दा विधानसभा में भी उठाएंगे।